दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो ये वॉल हंग WC है, जैगुआर कंपनी का है, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये कोई प्लम्बर भाई ने यहाँ पे काम किया था, तो भाई ने एक गलती कर दिया। ये जो दोनों का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ से और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 इंच है। मतलब भाई ने बहुत ज़्यादा ही गलत किया है। और इसका स्टेट लेवल भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल टेढ़ा लगा चुके हैं। हालांकि उसको सीधा लगाना था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई ने गलत कर दिया है। तो इसका हम मेज़रमेंट भी करके दिखाएंगे। थोड़ा पकड़ना, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे देख लीजिए 5.5 इंच यहाँ हो रहा है। तो हल्का लगभग 5-6-7 सूत बहुत ज़्यादा ही गलत कर चुका है, कमोड हमारा आ नहीं रहा है। और इसका दोनों का जो बीच का सेंटर है गाइज, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 5.5 इंच हमारा हो रहा है। तो अब करना यही है दोस्तों, यहाँ पे हमारा तो कमोड लग नहीं रहा है, तो फिर हम इसको, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको काट के हल्का यहाँ पे थोड़ा और ऊपर करेंगे, ताकि हमारा जो WC है वो यहाँ पे फिट हो जाए। और भाई का ये भी चेक कर लेते हैं कितना डिस्टेंस है इसका। तो फाइनली देख लीजिए भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे भाई ने गलत कर दिया, 1 फीट पे यहाँ पे लगा चुके हैं। आप देख रहे हैं फाइनल फ्लोर से यहाँ पे इनको रखना चाहिए 8.5 से लेके 10 इंची तक। गाइस आप रखेंगे वो स्टैंडर्ड माना जाएगा, वो सबसे परफेक्ट है। और भाई ने बहुत ज़्यादा ही गलत, ये जो कमोड WC आप देख रहे हैं, ये जैगुआर की कंपनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जैगुआर की है, भाई ने गलत। तो वीडियो हम आपको इसका सही भी करके दिखाएंगे कि इसको सही से फिट कैसे किया जाता है, तो आप वीडियो के अंत तक। तो फाइनली गाइस अब ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह का जो हम ये टाइल्स यहाँ पे तोड़ चुके हैं, और इसको 1/2 इंच और ऊपर की दिशा में करेंगे, तब जाके हमारा जो कमोड है इस पर फिट हो जाएगा। और हमारे जो प्लम्बर भाई ने जो काम किया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा इस तरफ जा चुका है, मतलब ये इसका जो टॉप लेवल है उसके सेंटर में यहाँ पे हमारा फ्लैश का जो ऊपर मेट्रोपोल देख चुके हैं, जो लगा चुके हैं हमारे प्लम्बर भाई ने, यहाँ पे थोड़ा गलत कर चुके हैं। और एक ज़रूरी बात जो हम आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, जो हमारे नए प्लम्बर भाई या जो हमारे पुराने प्लम्बर भाई हैं, जो अच्छे तरीक़ा से वो जानते हैं कि वॉल हंग WC कैसे लगाया जाता है, अगर आपको नहीं समझ में आए मेज़रमेंट करना, तो हम आपको मेज़रमेंट करना भी सिखाएंगे इसी वीडियो में। और आपको ये बता दें कि आप अपने क्लाइंट जो आपके जो कस्टमर हैं, आप पहले उनसे ये जो फिटिंग करने से पहले आप वॉल हंग WC पहले मंगा लें, उसके बाद आप फिटिंग करें। तो चलिए हम इसको पहले काट के लगा के फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको पूरी अच्छे तरीके से सॉल्वेंट लगा लें, तब जाके काम करें। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको ऊपर फिट कर रहे हैं, और इसको तुरंत ऊपर अच्छी तरीके से फिट करें, ताकि एकदम स्ट्रेट लेवल ले लें, ऊपर से चेक कर लें ताकि अंदर गया कि नहीं गया। आप अच्छी तरीके से अच्छा से आप लगा लें, ताकि आपका काम, ये थोड़ा मटेरियल थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा गिर गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसको, आप अपने कपड़े के माध्यम से अच्छे से इसको रिमूव कर लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से, हमें उम्मीद है भाई कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और इसका जो डिस्टेंस है वो हम आपको आप इक्वल दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, इसका बीच सेंटर से हमारा 5.5 इंच है। आप यहाँ पे ईयरफोन से भाई वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, मेरे पास कैमरा नहीं है, और आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम कैमरा भी ले लें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हम आपको आने वाला हर नॉलेज वाला वीडियो आपको डाल सके। ये आपको जो बहुत भाई है जो सेंटर नहीं समझ पाते, सेंटर ये जो है ना गाइस, ये जो देख रहे हैं इसका बीच का 1/2 और इसका बीच का 1/2, यहाँ से दोनों का सेंटर मापेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने क्लाइंट
मैम को बोल के पहले से कमोड मंगवा लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आपको कमोड फिट करके भी दिखाएंगे कि अब मेरा गाइस फाइनली आप देख रहे होंगे यहाँ पे कमोड का भी साइज पूरा वॉल में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दिए इसी के वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा वॉल में चिपक गया है और मेरा अच्छी तरीका से यहाँ पे फिट हो चुका है। और लेबल लेके आइए, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और इसका जो गाइस आप हाइट रखे कम से कम आप 8.5 से लेके आप कम से कम 10 इंची 10.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम इक्वल एकदम लेवल में है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एकदम गाइस लेवल में है। तो इसी तरीका से आप करें और हम आपको इसको जाम भी करेंगे और एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। एक दिन के बाद आपको फिर हम आपको वीडियो इसी वीडियो में मर्ज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो गाइस फाइनली देख रहे हैं हमारा वॉल हंग WC कंप्लीट हुआ। इसका प्रेशर भी चेक करवाएंगे और यहाँ पे सामान नहीं है तो अभी नहीं लगेगा हेल्थ फॉसिट। इसका पानी का प्रेशर भी आप हालांकि देख सकते हैं कितना मस्त प्रेशर है। जयगुआर की कंपनी है ये।